दिन की सरकार को बचाने की कवायद के बाद 3 दिन यहाँ बाड़मेर में आए हुए और लगातार एक्शन मोड में है। कभी हॉस्पिटल, नंदी गौशाला, कोविड केयर सेंटर, तो किस प्रकार का निरीक्षण कर रहे हैं सर? बस ये कि मैं काफ़ी दिनों से बाहर था और हमारी पहली प्राथमिकता है कि कोविड में जो भी पेशेंट है, अस्पताल किस तरह से चल रहा है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं प्रिंसिपल और PMO इन सब डॉक्टरों से ही बात की, हॉस्पिटल में देखी भी, व्यवस्थाओं को भी देखा, इसमें कोई कमी पेशी उसको कैसे ठीक कर सके और उसको किस तरह से हम अच्छी सुविधा दे सकें। इसी पर्पज़ से कल मैंने वो नंदी गौशाला वगैरह देखा और कल लोगों से भी मिला और आज हॉस्पिटल का निरीक्षण है, कोविड सेंटर भी देखा कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और इस हॉस्पिटल के अंदर भी जितनी कमी है पेशी है जो हमें लग रही है कि उनको कैसे हम ठीक करें, तो उसकी चर्चा भी की और हमने 27 तारीख को इसकी RMR की मीटिंग भी रखी है, तो उसमें जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। बात यही हुई कि भाई वो जो हमारे बेड बढ़ाने थे उसके बारे में चर्चा हुई कि बहुत ही जल्दी वो उसकी आ रही है स्वीकृति करीब करीब होगी वहाँ, तो उसके बारे में भी सोचते तो बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। मेरे ख्याल से राजस्थान में पहला अस्पताल होगा जिसमें इतने बेड एक साथ स्वीकृत हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और भागने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। रही बात और यहाँ कोई सड़क के बारे में है, अंदर कोई कचरा वचरा है उसकी बात है, अंदर एक मशीन आपके ख़राब पड़ी है तो उसको ठीक करने की बात है, और छोटी मोटी और भी कई समस्याएं उनकी चर्चा की है। पॉजिटिव बात उन सबसे बात हुई है कि उनको अपन कैसे ठीक कर सकें, डॉक्टर समझ के आवे और मेन जो कोविड उनका हम किस तरह से उपचार करें, कोई भी इस बीमारी से मरे नहीं और हम उसको व्यवस्थित इसकी सारी चिकित्सा व्यवस्था उसकी कर सकें, ये सारी उन पर हमने चर्चा की है और सार्थक चर्चा रही है, आगे कैसे सुधार करें इसके चर्चा।